हेलो गाइस, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। आज आपके लिए एक नई वीडियो, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेट यूनिवर्सिटी की तरफ से एलम एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की रिसीव्ड आंसर की जारी कर दी गई है। जिन साथियों भाई बहनों को, स्टूडेंट को यहां पे क्वेश्चन आंसर चेक करने में समस्या आ रही थी कि हमारे क्वेश्चन कितने गलत है कितने सही हैं, तो यूनिवर्सिटी द्वारा जो आंसर की दोबारा जारी की गई है इसके हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं किससे क्वेश्चन आपके सही हैं। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया हम जानेंगे। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर दुविधा में आ रहे होंगे कि कौन सी आंसर की जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, इसके वीडियो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आंसर की ओर। और आज की डेट में एलम एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसके बारे में हम लास्ट में जानेंगे। तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पहले से लिंक ओपन किया हुआ है आंसर की का, ये रहा एलम एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो आंसर की है दोस्तों, 10 दिन पहले यहाँ पर जारी की गई थी। उसमें बहुत सारी समस्या आ रही थी स्टूडेंट को कि इसमें कुछ क्वेश्चन गलत थे, यानी 6-7 क्वेश्चन इसके अंदर गलत थे। तो यूनिवर्सिटी ने दोबारा एक आंसर की दोबारा चेक जारी की गई है, रिसीव्ड आंसर की आप बोल सकते हैं इसे। ये भी 15 तारीख में नोटिस डाला गया था। नोटिस आपको कैसे डाउनलोड करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 15 तारीख में नोटिस यहाँ पर डाला गया था। उसके माध्यम से उसके नीचे ही एक आंसर की लिंक भी दिया गया था। ये दोस्तों ओपन नहीं हो रहा था, और ये 16 तारीख में भी ओपन नहीं हुआ, ये 17 तारीख में यानी आज की डेट में ओपन हुआ है। इसे आप PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, और नोटिस में क्या दिया गया है इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं नोटिस की डिटेल, जहाँ पे हमने डाउनलोड किया हुआ है, ये रहा। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि नोटिस के बारे में केवल LM वाले स्टूडेंट के लिए ही इसमें जानकारी दी गई है, जिसका कोड आपका 01 है। जिनके क्वेश्चनों में यहाँ पर समस्या आ रही थी, वो यहाँ दोस्तों सुधार करके आंसर की में दोबारा अपलोड कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यूनिवर्सिटी द्वारा कोई सुधार नहीं किया जाएगा, इसमें साफ साफ बता दिया गया है। इसमें संशोधित आंसर में नहीं किया जाएगा, जो आंसर सही है यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आपके PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको कहाँ डाउनलोड करनी है आप यहाँ पे नोटिस के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। ये नहीं आंसर की, यानी रिसीव्ड आंसर की आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपना पता लगा सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं या कितने क्वेश्चन गलत हैं। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा दोस्तों, ये रही। पहले आंसर की कैसे जारी की गई थी आपको बता देते हैं। आंसर की में एक समस्या थी पहले, जो 10 दिन पहले जारी की गई थी LM स्टूडेंट के लिए। उसमें क्या था, जो पेज ऊपर था वो नीचे आ गया था, और जो नीचे वाला पेज था वो ऊपर आ गया था। यानी 41 से यहाँ पर स्टार्ट था फर्स्ट पेज, और नीचे वाला एक नंबर से, यानी ऊपर नीचे पेज हो गए थे। अब जो नई आंसर की यहाँ पर जारी की गई है, इसका दोस्तों देख सकते हैं कि 3 पेज की PDF बनाई गई है, फर्स्ट सेकेंड यानी थर्ड। आपको जो फर्स्ट पेज है यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन आंसर का, उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको नीचे दिखाई मिलेगा आपको ये 37। तो पहले क्या था, यहाँ पर फर्स्ट पेज यहाँ पर था और सेकंड पेज ऊपर था। तो इससे आपको यहाँ पर अंदाज लगा सकते हैं कि आपके आंसर की जो है सुधार होके आई है। फर्स्ट ऊपर हमने देखा, सेकेंड पेज आपका नीचे है, अब आते नीचे थर्ड पेज पर दोस्तों, ये रहा थर्ड पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको आंसर की कैसे चेक करनी है आपको पता लगा सकते हैं, ये रहा जो सेल नंबर, जो आपका सेल नंबर है यानी क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, एक से लेके नीचे की ओर आपको चेक करना है। जिसकी आपकी सीरीज है, मान लीजिए आपकी प्री सीरीज थी, ये क्यू सीरीज थी, या आर सीरीज थी, या एस सीरीज थी। दोस्तों जो भी आपकी सीरीज है उसके माध्यम से आपको यहाँ पर चेक कर ले जाए। मान लीजिए आपकी एस सीरीज थी, तो एस के आंसर आपको नीचे दिखाई देंगे इस तरह से, यानी 1, 2, 3 जैसे आपको नीचे बढ़ते चलेंगे आपको आंसर ऐसे नीचे दिखाई देंगे। और आपके मान लीजिए आपके पी सीरीज थी क्वेश्चन की, तो आपको ऐसे ऊपर से नीचे की ओर चलना है, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। यानी पी सीरीज में आपका कुछ क्वेश्चन आंसर था वहाँ पर 4 था, तो आपको यहाँ पर 3 आंसर दिखाई देंगे, उस आपको यहाँ पर तीनों आंसर सही माने गए हैं LM में, जो आंसर की आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 75 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है एस सीरीज में, इसमें यहाँ पर 3 क्वेश्चन आंसर तीनों राइट यहाँ पर दिए गए हैं। इसके हिसाब से आपको आंसर की समस्या नहीं होगी, इस तरह आपको आंसर यहाँ पे दी गई है। आप दोस्तों पता लगा सकते हैं कि आपके कितने कौन से क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत हैं। अब दिखा देते हैं दोस्तों, जो आज की डेट में LM एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी हो चुका है, वो आपको कैसे चेक करना है। उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बना कर दे दी है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, अपने स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं कि आपका 100 क्वेश्चन में से कितने आपके आंसर सही हैं, यानी 70 सही हैं, या 50 सही हैं, या 60 सही हैं, तो आपने अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आपका कितने कट ऑफ में आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है,
और दोस्तों उससे भी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे फीस के बारे में कि कितनी फ़ीस आपकी लग सकती है इस LLM एडमिशन के लिए। तो दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी। PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डायरेक्टली वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। कितना आपका स्कोर कार्ड आया है वो अपना कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। कोई समस्या हो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।